इस वीडियो में हम जानेंगे कि Redmi के मोबाइल में ऑटोमेटिक वॉलपेपर जो चेंज होता है उसे हम कैसे बंद कर सकते हैं। आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं जब भी अपने मोबाइल को लॉक करके अनलॉक करता हूं तो यहां पर हर बार आपको वॉलपेपर एक अलग मिलेगा, हर बार आपको वॉलपेपर चेंज मिलेगा। तो अगर आपके भी मोबाइल में, आपके भी Redmi के मोबाइल में इस तरह से हर बार वॉलपेपर चेंज हो जाता है और आप इसे बंद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के बारे में। तो Redmi के मोबाइल में ऑटोमेटिक वॉलपेपर जो चेंज होता है उसे बंद करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स को ओपन करना है और सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन में जाना है। लॉक स्क्रीन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ग्लांस फॉर MI, तो आपको ग्लांस फॉर MI पर क्लिक करना है और यहाँ पर आने के बाद ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा टर्न ऑन वॉलपेपर, तो यह ऑन रहता है। अगर यह ऑन रहेगा तो आप का जो वॉलपेपर है ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। जब भी आप अपने मोबाइल को लॉक करके अनलॉक करेंगे तो आपका वॉलपेपर एक नया आ जाएगा। तो इसे बंद करने के लिए आप इस ऊपर वाले ऑप्शन को ऑफ कर दीजिए। ऑफ कर देने के बाद जब भी आप अपने मोबाइल को लॉक करेंगे और अनलॉक करेंगे तो आपका वॉलपेपर चेंज नहीं होगा। आप देख सकते हैं अब मेरा वॉलपेपर चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने Redmi के मोबाइल में ऑटोमेटिक वॉलपेपर को बंद कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।